शरद पवार का बड़ा ऐलान, बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल बने नए कार्यकारी अध्यक्ष। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के डोमजुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, काबू पाने में जुटे दमकल कर्मी। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी के लिए 15 जून के बाद फिर धरना देंगे पहलवान, बजरंग पुनिया का ऐलान। हैदराबाद में 16 साल के लड़के ने मोबाइल गेम के चक्कर में अपनी मां के 36 लाख रुपए लुटा डाले। दुधवा में बाघों की मौत का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, दिए जांच के आदेश, 4 बाघों की हो चुकी है मौत। मनीष कश्यप की बड़ी मुश्किलें, ईओयू ने फर्जी वीडियो का मामले में दाखिल की चार्जशीट। मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए सरकार ने बनाई शांति समिति, राज्यपाल को बनाया अध्यक्ष। ओला उबर और रैपिडो पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, 12 जून को सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के धुले जिले में टीपू सुल्तान के अवैध स्मारक पर चला बुलडोजर, AIMIM विधायक ने कराया था निर्माण। गुजरात में ETS का बड़ा एक्शन, पोरबंदर में ISIS से जुड़ने जा रहे एक महिला समेत 4 गिरफ्तार।